शिवराज सिंह चौहान द्वारा टोक्यो में इंडिया शो में मध्य प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने जबलपुर में की नगरीय निकायों की समीक्षा। और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने जनजाति समाज विषय पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टोक्यो में एमटेक में इंडिया शो के अंतर्गत मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया है। इसमें देश के कई राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश का पवेलियन सबसे बड़ा है। पवेलियन के शुभारंभ कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को रतलाम जिले के बड़ावदा में फीडर विभक्तीकरण योजना के तहत विभक्त किए गए फीडर्स का शुभारंभ किया है। इस मौके पर नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल भी मौजूद थे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे और कृषि कार्य के लिए 8 घंटे नियमित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय के लिए लागू फीडर विभक्तीकरण योजना का कार्य प्रगति पर है। अब तक करीब 1500 फीडरों का विभक्तीकरण किया जा चुका है। इसमें 7419 गांव लाभान्वित हुए हैं। इसमें से सर्वाधिक 387 फीडर का विभक्तीकरण इंदौर संभाग में हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने आदिवासी बहुल 20 जिलों के 89 विकास खंड में 31,150 आदिवासी युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार किया है। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को सुनिश्चित रोजगार देने की व्यवस्था भी होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू होगा। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा और खनिज साधन राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्युत वितरण के लिए प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका लाभ हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। शुक्ल कल रतलाम जिले के बड़ावदा में फीडर विभक्तीकरण के लोकार्पण को संबोधित कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित प्रकरणों की FIR से न्यायालय तक मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे अपराधियों को उनके किए की सजा जल्द मिलेगी। आपको बता दें कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। गृहमंत्री मां शंकर गुप्ता ने महिला प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। MP लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।